टाइम हो रहा है अभी 5 बज गए हैं, इसलिए सनसेट की वजह से थोड़ा फोटो में भी थोड़ी जान आ गई है अच्छी, क्योंकि लाइट जो थी सीधा सामने से आ रही थी। वहाँ का लेक चमक रहा है यार। ट्रिप विथ यदनेश में ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग होने वाला है। आज हम जाने वाले हैं पिंपलगांव बसवंत, जो नासिक के पास में है। आज भाऊबीज के वजह से बहन के यहाँ पे जाना है, मेरी सिस्टर के यहाँ पे, तो वहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग होने वाला है। मेरा सेटअप सब तैयार हो चुका है, हेलमेट वगैरह सब तैयार कर लिया है हमने। मेरा भाई फैशन हीरो होंडा की फैशन प्लस है, उस पर जाने वाले हैं। तो मैं उस पर फर्स्ट मोटो ब्लॉग करने वाला हूँ। मेरा प्लान था कि अपना जो चेतक है, मतलब अपनी टीवीएस जुपिटर, उस पर करेंगे, लेकिन इतना दूर जा गए बाइक पे, तो मोटो ब्लॉग कर ही लेते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग है, देखना ज़रूर और पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो अभी हमारा रेडी हो चुके हैं हम सब लोग जाने के लिए, अभी निकल रहे, तो चलो सीधा मिलते हैं बाइक पे। गणपति बाप्पा मोर, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो कल ही पेट्रोल फुल कर लिया था, जाना था। तो अभी हमारा प्लान कुछ इस तरह से कि पहले धुलिया से मालेगांव से चानोड़ से पिंपलगांव, फिर वहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूरी पे है खेड़गांव करके गांव है, वहाँ पे जाना है हमें। अभी टाइम क्या हुआ है, 2:31 हुए अभी, लगभग 3 घंटे लगते पहुँचने में। तो देखते हैं चानोड़ के पास देख लेंगे, थोड़ा कंटिन्यू गाइड करेंगे। मुझे फर्स्ट मोटो ब्लॉग मेरा चेतक पे ही करना था, लेकिन अभी जाना था तो सोचा चलो कर ही लेते, कोई बात नहीं है, अच्छा लगा पोस्ट करेंगे। मैं तो आने ही वाला है अगला वीडियो। ये गाइड हमारी 2 दिन का टूर होने वाला है, आज आपको आपको स्टे करना है, कल सुबह रिटर्न आएंगे। तो ये लॉग में सोच रहा था कि 2 पार्ट में करते हैं, देखते हैं 2 पार्ट में अगर हो पाया तो 2 पार्ट में करेंगे, 1 पार्ट। आपको दिखेगा शायद से, हाँ दिख रहा है ये थोड़ा बहुत, वो देखिए दोस्तों सामने जो दिख रहा है ना, वही है लडिंग फोर। हम इस तरह से हमारे 100 किलोमीटर भी कम्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों गाड़ी को, देखिए 4 किलोमीटर मालेगांव दिखा रहे हैं, मालेगांव तो आ ही गया, मतलब 100 किलोमीटर भी कम्प्लीट हो चुके हैं। यहाँ से घाट स्टार्ट हो चुका है, लड़िंग चानोर का घाट स्टार्ट हो चुका है, सामने दिख रहा है आपको वो पूरा घाट है। लाजवाब
सामने देखो दोस्तों, ये पीले पीले फूल क्या लग रहे हैं यार। जय माता महाकाल। पूरा धुआं कर दिया यार इसने। बच गए हैं इसलिए सनसेट की वजह से थोड़ा फोटो में भी थोड़ी जान आ गई है अच्छी, क्योंकि लाइट जो थी सीधा सामने से आ रही थी। वाह क्या लेक चमक रहा है यार, रुकना था लेकिन पहुंचना भी तो है जल्दी, यहाँ से और एक घंटा लगेगा शायद से पिंपलगाँव के लिए। 3 किलोमीटर नासिक के मतलब यहाँ से पिंपलगाँव कम से कम 30 किलोमीटर तक होगा, क्योंकि पिंपलगाँव से शायद से 30 किलोमीटर आगे नासिक है, तो पिंपल का यहाँ से 30 होगा शायद, या ना पिंपल का होगा किसी को, लेकिन 30 हो सकता है। वनी सापुतारा सूरत, ये रास्ते से जाना हमें। वनी मतलब वही सप्तशृंगी माता का जो मंदिर है, वनी सप्तशृंगी गढ़, उस ये रास्ता उधर भी जाता है सप्तशृंगी गढ़ के पास। इधर ये देखिए सप्तशृंगी गढ़ 45 किलोमीटर में, सापुतारा 59 किलोमीटर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।